धर्मनगरी हरिद्वार एक बार फिर खबरों में छा गया है। इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी की गिरफ्तारी है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के तुरंत बाद पुलिस के रडार में जो पहला नाम था वो आनंद गिरी का था। उस समय आनंद गिरी हरिद्वार के एक आश्रम में थे। मौत के खबर के तुरंत बाद पुलिस आश्रम में पहुंची और आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया। फिलहाल महंत की मौत का रहस्य भी संपत्ति के विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। धर्मनगरी में मठ मंदिर महंत आश्रम और अखाड़ों की गद्दी और संपत्ति के विवाद सबकी जानकारी में हैं। अकूत संपत्ति और साजिशों में लगभग 3 दशकों में कई संत अपनी जान गंवा चुके हैं और कई आज तक लापता हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हालांकि अभी कई मामलों को नहीं सुलझा पाई है। कई आश्रमों की संपत्ति और गद्दी के विवाद थानों से लेकर कोर्ट तक चल रहे हैं। आपको बता दें 25 अक्टूबर 1991 को रामायण सत्संग भवन के संत राघवाचार्य को कुछ अज्ञात स्कूटर सवार लोगों ने गोली मार दी थी। इस दौरान वो आश्रम के बाहर निकलकर टहल रहे थे। 9 दिसंबर 1993 को रामायण सत्संग भवन के ही संत रंगाचार्य की ज्वालापुर में हत्या हो गई। इसके अलावा 1 फरवरी 2000 को मोक्षधाम ट्रस्ट से जुड़े रमेश को किसी अज्ञात जीप सवार ने पीछे से टक्कर मार दी जिससे उनकी मौत हो गई। इस दौरान चेतन दास कुटिया में अमेरिकी साध्वी प्रेमानंद की दिसंबर 2000 में हत्या हो गई थी। बीते 5 अप्रैल 2001 को बाबा सुतेंद्र बंगाली की भी हत्या हुई थी। इसके अलावा 6 जून 2001 को हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास बाबा विष्णुगिरी समेत 4 साधुओं की हत्या हुई थी। 26 जून 2001 को बाबा ब्रह्मानंद की भी हत्या कर दी गई थी। साल 2001 को पानप देव कुटिया के बाबा ब्रह्मदास को अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इसके अलावा 17 अगस्त 2002 को बाबा हरियानंद और शिष्य की हत्या हो गई। इसके अलावा 6 अगस्त 2003 को संगमपुरी आश्रम के संत प्रेमानंद अचानक आश्रम से लापता हो गए। 28 दिसंबर 2004 को संत योगानंद की भी हत्या हो गई। लापता और हत्या की इस फहरिस्त में आगे नाम स्वामी अमृतानंद का आता है। 15 मई 2006 को पीली कोठी के स्वामी अमृतानंद की हत्या कर दी गई थी। 25 नवंबर 2006 को बाल स्वामी की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके अलावा जुलाई 2007 में स्वामी शंकर देव अचानक आश्रम से लापता हो गए थे जिन्हें आज तक पुलिस तलाश रही है। वहीं 8 फरवरी 2008 को निरंजनी अखाड़े के 7 साधुओं को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया गया था। 14 अप्रैल 2012 निर्वाणी अखाड़े के महंत सुधीर गिरी की हत्या हो गई थी। इसी बीच बीते 26 जून 2012 को लक्सर के हनुमान मंदिर में 3 संतों की हत्या कर दी गई थी। दरअसल धर्मनगरी हरिद्वार में मठ मंदिर आश्रम और अखाड़ों के पास अकूत धन संपत्ति है। ऐसे में ज्यादातर तो संस्थाओं को संपत्ति दान में मिली है। वहीं आज भी सांसारिक और पारिवारिक मोहमाया से दूर रहने का उपदेश देने वाले कई संत और महंत इनके चक्रों में पड़े हुए हैं। साथ ही आलिशान आश्रमों में रहते हैं जहां कई संत तो करोड़ों रुपए की महंगी और लग्जरी गाड़ियों के शौकीन हैं। भगवा वस्त्र पहनते जरूर हैं लेकिन संतों का रहन सहन किसी राजशाही से कम नहीं है। इन सब के बीच हकीकत ये भी है कि धर्मनगरी हरिद्वार ज़्यादातर संत और महंतों के खून से लाल होती आई है।